आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से, उनकी एक बृहद सोच के माध्यम से जो पुण्य का संचय छत्तीसगढ़ वासियों से हुआ है, वो एक आज अविस्मरणीय अपनी गाथा लिखने जा रहा है। इस छोटे से ग्राम में आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से विश्व का सबसे बड़ा हाथकरघा का केंद्र यहां पे निर्माण होने जा रहा है। उस केंद्र के माध्यम से हजारों लोगों को यहां पे रोजगार मिलेगा और हिंसा का त्याग करके अहिंसक चीजों का निर्माण होगा और वो देश में लोगों को जो सुंदर वस्त्र हाथ हस्तकरघा से निर्मित सुंदर साड़ियां, सुंदर वस्त्र और भी कलात्मक जो हस्तशिल्प से चीजें हैं, उसका बहुत बड़ा केंद्र एक मॉडल के रूप में गुरुदेव की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़वासी यहां पे काम कर रहे हैं। हमारे विनोद जी बड़जात्या और उनकी पूरी टीम और सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर के यह कार्यक्रम यहां पे संपन्न होने जा रहा है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय हमारे पूर्व मंत्री श्री अजय जी चंद्राकर, जो कि इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, जब उनसे गुरुदेव के बारे में या हस्तशिल्प के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की कि आज जो हस्तकरघा बुनकर जो हमारा संघ है वो विलुप्त होते जा रहा है, ऐसे आचार्य भगवान का अगर आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों को मिला है तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में बनकर पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाएगा। आचार्य भगवान के साथ में लगातार उनके चर्या में साथ देने वाले और जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से पूरे देश में एक अपनी अलग से ख्याति पहचान बनाई है, ऐसे बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके प्रतिष्ठाचारित्व में यह आज का जो पूर्ण कार्यक्रम है वो यह आपको संपन्न होने जा रहा है। हम पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के जैन समुदाय से निवेदन कर रहे हैं कि यह जो आज कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है, एक नींव की नई पत्थर, एक नई निशानी यहाँ लिखी जा रही है, जो कि आने वाले वर्ष में एक भव्यता का प्रतीक बन करके एक हस्तकरघा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हुए पूरे विश्व में आचार्य भगवान का नाम रोशन करेगा। हमारे बीच में आचार्य भगवान से लगातार 25 वर्षों से जुड़े हुए, उनका एक एक क्षण, एक एक पल जो आचार्य श्री के नाम से हमेशा उनकी वाणी में जो आचार्य श्री के नाम विराजमान रहता है और उनके मार्गदर्शन पे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जिस परिवार ने अपना पूरा जीवन आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी अमरकंटक से आज हमारे विराजमान है और जिन्हों की इस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पावन सीमा में लगा हुआ अमरकंटक क्षेत्र है, जहां पे विश्व का सबसे विशाल लाल पाषाण का भगवान आदिनाथ का विश्व के सबसे वजनी 24 टन की अष्ट धातु की प्रतिमा जहां विराजमान हो रही है, वो प्रतिमा का और उस मंदिर के निर्माण के कार्य में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से दीपक भैया जो सहयोग कर रहे हैं वे अपने आप में एक अविस्मरणीय है। हमारे बीच में सतलगा से पवन भैया जी आज विराजमान है, पदम भैया जी, जो पदम भैया जी ने सतलगा में और जुगुल ग्राम में वहां पर जो चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का जन्म स्थान है, उस स्थान पे वहां पे लोगों को रोजगार का एक ऐसा जरिया का केंद्र बनाया वहां पे, और मुझे याद है कि पदम भैया जब सतलगा और जुगुल में कार्य करा रहे थे तो वहां पे जो मुस्लिम भाई बहन है उन सभी के घरों में चरखे लगवाए हैं हमारे पदम भैया जी ने, और उसकी जो कलाकृति करके, जो वो कसीदा करके, जो वो नक्काशी युक्त काम करके ला करके, मुझे मालूम है जब उन्होंने महाराष्ट्री जंगल वाले बाबा को दिखाया तो बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें कि देखिए आज यहाँ पर भी इतना अच्छा कार्य हो रहा है।
तो ऐसे पदम भी अभी आज हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि में आचार्य भगवान के जन्म स्थान सतलगा हमारे भी पहुंचे हैं। उत्कृष्ट भैया हमारे बीच में, उत्कृष्ट भैया महेश्वर से भी जो आए हुए हैं, वे कृपया उनसे निवेदन है, कृपया वे मंच के सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बाल ब्रह्मचारी उत्कृष्ट भैया जी, जिन्होंने आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से अपना पूरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है, आप लोगों से निवेदन है जोरदार इन ब्रह्मचारी भैयाओं के लिए तालियां बजा करके अभिवादन करें कि जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। और गुरुदेव के ये ऐसे यशमैन हैं हमारे भैया जी लोग कि मतलब गुरुदेव की वाणी में जो भी अगर मन में विचार आया कि हमको इस काम को करना है, तो ये दिन देखते ना रात देखते, ना ठंड देखते ना गर्मी देखते, ना वर्षा देखते ना वायु देखते, और ये आकर के गुरुदेव के उन कामों में लग जाते हैं। ऐसे बाल ब्रह्मचारी हमारे बीच में अभी लगभग और 10 सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के अनेक हमारे बीच में भैया जी लोग अभी यहाँ पे आने वाले हैं और शीघ्र कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में गुरुदेव के आशीर्वाद से जो कि भारतवर्ष के अनेक जेलों में ये हाथ करघा का कार्य चल रहा है, हस्तशिल्प का कार्य चल रहा है, चाहे वो सागर जेल हो और पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा जेल है जो कि तिहाड़ जेल दिल्ली में है, जहां पे लोग उसका नाम सुनने से ही रूह कांपने लगती है, ऐसे तिहाड़ जेल में सुनील भैया और दीपक भैया और सारे हमारे सम्यक दर्शन सहकार संघ के माध्यम से आज वहां पे जो कैदियों के जीवन में परिवर्तन आया है, आप सोच नहीं सकते कि जिन कैदियों ने अपने जीवन को, अपने जीवन में जो उन्होंने बुराइयों को किया और उसके बाद वो जेल में अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जेल में सजा काट रहे, एक कैंपस के अंदर में रहकर सजा काट रहे हैं, कितनी बड़ी सजा उनको मिलती है, लेकिन आज उनके जीवन में अगर उन्होंने कोई बीज बोया है, उनके जीवन में सही मार्ग का रास्ता दिखाया है, तो वह है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कि जिन्होंने अपने उन कैदियों के जीवन में एक ऐसा बीज बोया और हमारे सुनील भैया, हमारे पदम भैया, दीपक भैया के माध्यम से उन तिहाड़ जेल के अंदर में जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए हैं, जो वहां पे उन कैदियों को, उन कैदियों में जो नए जीवन का संचार किया है, उनके जीवन में एक जो क्रांति लाई है, निश्चित ही वो जब जेल से निकलेंगे तो आने वाला कल उनका इतना अच्छा होगा कि वह अपने जीवन में जा करके एक अपनी एक अलग छाप बनाएंगे। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश डीआईजी साहब बी के जैन साहब पधारे हैं, उनसे निवेदन मंच पर आ जाए। बी के जैन साहब, उत्तर प्रदेश डीआईजी साहब यहाँ पर आ जाए। मिर्जापुर जेल के जेल अधीक्षक राय साहब, मिर्जापुर जेल के जेल अधीक्षक राय साहब भी मंच पर आ जाए। हेलो, ताली साहब उनके अनुमोदन कीजिएगा। सभी लोगों से निवेदन है, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के आईजी साहब बी के जैन साहब जो कि लखनऊ निवास करते हैं और पुलिस प्रशासन के माध्यम से आपने जो अपने जीवन में एक क्रांति लाई है, आचार्य भगवान के माध्यम से गुरुदेव के अनेक प्रोजेक्टों में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जो वहां की जेलों में कैदियों में जो परिवर्तन देखा है, उसके कारण आप गुरुदेव के साथ अनन्य जुड़ते चले गए और गुरुदेव के मार्गदर्शन पर वो पूरा अपना जीवन समर्पित किया। जोरदार तालियां बजा के हमारे जैन साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में मिर्जापुर के जेलर साहब, जिनके जेल में एक क्रांति आई है, सभी एक मिनट, आप राय साहब का सभी लोग तालियां बजा अभिवादन करें। आप इनके जेल में अभी इनके मुख से भी सुनेंगे कि इन कैदियों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, जो हत्या करके 14-14 साल की जेल काट रहे हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं कि उन्हें आज अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपनी बहनों को छोड़ करके एक चार दीवारी के अंदर जेल में रहकर अपने जीवन का काटना पड़ रहा है। कितनी पीड़ा होती होगी उनको, जब राखी आता होगा तो उनकी बहन की याद आती होगी, होली आती तो परिवार की याद आती होगी, जब बच्चों का रिजल्ट आता होगा तो वो आग कमरे के अंदर रहते हैं, खून के आंसू जिनके आंसू निकलते हो, उनके जीवन में आज खुशहाली का जो अंग भरा है वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भरा है। और ये जेलर साहब उनके जीवन के परिवर्तन को, क्या क्या उनके जीवन में हुआ है, वो सारी बातें घटनाएं आपको सुनाएंगे। आइए, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की
पावन नगरी जिसको कि तीर्थ के रूप में देखा जाता है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जन्म स्थली बनारस से पधारे हुए ब्रह्मचारी आकर्ष भैया जी हमारे बीच उपस्थित है, उनसे भी निवेदन है कृपया वे मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे उत्कर्ष जी से निवेदन है कृपया वे भी मंच पे ऊपर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तुम थोड़ा सा बोलो। तो आदरणीय मंत्री साहब को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आचार्य भगवान की जो सोच है, उनकी जो मार्गदर्शन है, जो देश के प्रति उनका सोच है, वो कहते हैं इंडिया नहीं भारत बोलो। क्या बोलते हैं भैया आचार्य श्री? इंडिया नहीं, जोर से सुनो भैया, इंडिया नहीं। तो हमारे गुरुदेव की ऐसी सोच है, उनके सोच के माध्यम से आज यहाँ पर जो एक आपके इस विधायक आपके क्षेत्र में जो ये कार्य होने जा रहा है, ये एक विश्व का एक ऐसा कार्य होने जा रहा है जो कि यहाँ से जो सूर्य का रोशनी प्रज्वलित होगी वो पूरे विश्व को गुंजायमान करेगी। आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसे स्थान पे गुरु ने आपके इस स्थान को चुना और यहाँ पर गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो हाथकरघा का भव्य शिलान्यास यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। हमारे बीच में जैन समाज राजिम के काफी सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे यहाँ बीच में निर्मल जी कासलीवाल साहब जो कि इंदौर से भी हमारे बीच पधारे हैं। हमारे बीच में जी वेद साहब इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं और भी महावीर जी पाटनी जो कि भिलाई नगर से हमारे यहाँ पधारे हैं। डीमामुर से आचार्य भगवान के परम शिष्य परम भक्त निर्मल जी झांझरी भी हमारे बीच उपस्थित है। राजनांदगांव की जैन समाज यहाँ उपस्थित है, रायपुर की पूरी जैन समाज यहाँ उपस्थित है और राजिम की धमतरी की सभी की जैन समाज यहाँ उपस्थित है। हम सभी का यहाँ पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आगे चालन के लिए श्री चंद्रकांत जैन जी राजनांदगांव। सबसे पहले मैं उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का, गणमान्य नागरिकों का, जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले मेरा निवेदन है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है आप सभी से मेरा निवेदन है, सबके बैठने की उचित व्यवस्था यहां पर की गई है। ग्रामवासी महिला पुरुष जनप्रतिनिधि हमारे समाज सेवा के अध्याय से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि समाज सेवी अहिंसा के मार्ग से जुड़े हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधु और हथकरघा चल चरखा हस्तशिल्प से जुड़े हुए सभी आदरणीय हमारे ब्रह्मचारी भैया, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। इस मंच पर ऐसी शख्सियत विराजमान है जो आपके इस ग्राम नारी का ग्राम कोकड़ी का भविष्य पूरे भारत के मानचित्र पर दिखेगा। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसा कार्य होने जा रहा है जिसमें हम सब यहां पर उपस्थित हैं, हथकरघा अंबर चरखा और हस्तशिल्प का एक भवन जो इस देश के महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कल्पना है कि पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श प्रोजेक्ट बनकर जहां हथकरघे के वस्त्रों का निर्माण होगा, हस्तशिल्प के हाथ से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण होगा और चल चरखा अंबर चरखा के माध्यम से धागे का निर्माण होगा, ऐसे पावन पुनीत अहिंसक कार्य से जुड़ने का हम यहां के ग्रामीण वासियों को जिससे रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबन जागेगा, महिला पुरुष सबको काम मिलेगा और एक अहिंसा का काम होगा जिसका पूरे भारत वर्ष में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम होगा। इस नारी के ग्राम नारी ग्राम में निश्चित निर्धारित समय पर उस भवन का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा और निश्चित निर्धारित समय पर वह भवन बनकर तैयार होगा। एक बार मेरा आपसे निवेदन है, जितने लोग यहां आए हैं और बहुत से लोग कुछ निर्धारित समय था उसके समय पे आरते जा रहे हैं, पूरी श्रद्धा से तन्मयता से जिनके आशीर्वाद से ये कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं एक बार जोरदार जयकारे के नारे लगाएंगे, बोलिए राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।
निश्चित रूप में नारीग्राम के वासियों, छत्तीसगढ़ के वासियों, आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस स्थल का चयन किया और हमें रोजगार देने की बात की। हमारे तालियां बजाते चले, अनुमोदना करते चले, गुरुवर के चरणों में नमन यहां से हमारा पहुंचता है, वहां से आशीर्वाद आता है। आज इस कार्य को संपादित करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, किंतु खास आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम लोगों ने सबने मिलकर निवेदन किया था कि आपके सानिध्य में इतना बड़ा आयोजन हो तो बहुत अच्छा है, किंतु एक गुरुदेव हैं, वे कहां कहां जाएंगे। मगर वो जहां भी रहें, अभी इंदौर में विराजमान हैं, सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और वहां से आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक ऐसी शख्सियत को हमारे बीच में इस कार्य के भूमि पूजन के लिए, संपादन के लिए, विधिवत कराने के लिए भेजा है, जो सक्रिय सम्यक दर्शन हथकरघा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी, इंदौर वाले, जोरदार तालियां इस मंच पर विराजमान हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं उनके चरणों में। उन्होंने अपना अमूल्य समय इस नारी ग्राम के लिए, इस छत्तीसगढ़ के इस काम के लिए निकाला और आचार्य भगवान ने अपना आशीर्वाद देकर विशेष रूप से यहां पर उन्होंने भेजा है और हम सब पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा है। जब तो पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहां पर चले आ रहे हैं, अरे छत्तीसगढ़ क्या, यू उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, आसाम से लोग आ रहे हैं, डीमापुर से लोग आ रहे हैं, साथ में सुनील भैया का साथ देने के लिए ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी आदरणीय दीपक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी आदरणीय प्रदम भैया जी, बाल ब्रह्मचारी आदरणीय रौनक भैया जी और बाल ब्रह्मचारी आदरणीय सुलभ भैया जी, ये सब सक्रिय सम्यक दर्शन के राष्ट्रीय समिति के ट्रस्टी हैं। तालियां बजाकर सबके सम्मान में एक बार। और महेश्वर हथकरघा, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मचारी आदरणीय उत्कर्ष भैया जी ने महेश्वर में वो काम किया है, आज उनका भी लाभ हमको यहां पर मिलेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में भी एक हथकरघा चालू है, जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चालू हो रहा है। ब्रह्मचारी आदरणीय अंकित भैया जी, आज वो भी यहां पर विराजमान है। और श्रमदान कुंडलपुर में भी हथकरघा जो चालू है, वहां के आदरणीय ब्रह्मचारी श्री अमित भैया जी और सजल भैया जी, हम उनका सामूहिक रूप से अभिवादन करते हैं, तालियां बजाकर चलते चलें। और मेरा पुनः निवेदन, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप लोग अपना निर्धारित स्थल ग्रहण करते चलें, निर्धारित समय पर हमारा कार्यक्रम सब यहां पर शुरू होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ के DIG साहब आदरणीय वीके जैन साहब भी इस मंच पर सुशोभित हो चुके हैं, श्री राय साहब मिर्जापुर के जेल के जेलर साहब वो भी यहां पर आ चुके हैं, SK जैन साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं शंकर नगर जैन समाज के, वो अपनी पूरी समाज के साथ यहां पर आ चुके हैं। और सबसे करीब में जो गांव है यहां पर राजिम, वहां की जैन समाज का अभूतपूर्व सहयोग इस नारी ग्राम के इस कार्य के साथ पूरे समाज के लिए, आदरणीय संजय भैया जी, सिंगई संजय भैया जी, पूरे पदाधिकारियों के साथ, महिला मंडल के साथ, युवा साथियों के साथ यहां पर उपस्थित हैं। हमारे गुरु के भक्त, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले आदरणीय महावीर पाटनी जी, जोरदार तालियां बजाकर इस सभा पर विराजमान हैं। और डीमापुर से देखिए किस छोर पर है डीमापुर, वहां से भी आपके छत्तीसगढ़ के इस पावन पुनीत कार्य के लिए आदरणीय निर्मल चंद जी झांझरी, जोरदार तालियां बजाते चले, सामने पंक्ति में बैठे हैं। और जो ब्रह्मचारी भी आ रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपसे निवेदन, आप यहां पर सामने आपके लिए स्थान रखा गया है, हमारे अतिथियों के बैठने की व्यवस्था ऊपर की गई है, क्रमशः सब आते चल रहे हैं, सबके साथ यथा व्यवस्थानुसार हम सबको आमंत्रित करते चलेंगे। हमारे रायपुर से इंदु भैया, उनके साथ संतोष जैन ठेकेदार आचार्य भगवान के परम भक्त, नागपुर से विजय भैया पधारे हुए हैं, वैशाली नगर से, भिलाई से श्री राजकुमार जी जैन साहब भी पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है सक्रिय सम्यक दर्शन हथकरघा के माध्यम से। और राजनांदगांव से श्री पूनम चंद जी जैन, आपका भी स्वागत है। ये इस गांव में जहां पहुंचना बिना जानकारी के मुश्किल था, किंतु सब लोग इतनी आसानी से पहुंचते जा रहे हैं
इसका श्रेय एक यूथ टीम को है। आदरणीय विनोद बड़जात्या जी, जोरदार तालियां उनके सम्मान में होना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत सबसे निवेदन करते हुए आचार सी की भावना को सब तक पहुंचाया है और उनके साथ एक युवाओं की टीम है जिन्होंने पूरा यहां का मैप बताया कि आप कहां से, रायपुर से अगर आपको पहुंचना हो नारी तो किस मार्ग से पहुंचेंगे, दुर्ग से पहुंचना हो तो आप नारी किस मार्ग से पहुंचेंगे, यदि आपको राजनांदगांव से पहुंचना है, धमतरी से पहुंचना है तो नारी कोकड़ी गांव किस माध्यम से आप पहुंचेंगे। सभा तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू संचालित करने के लिए अभी थोड़ा सा समय है, इसलिए मैं सबकी बातें यहां पर कर रहा हूं। निश्चित निर्धारित समय पर आदरणीय भैया जी आपको सुनिश्चित कार्यक्रम प्रारंभ कराएंगे। विधिवत तैयारी, जो शिलान्यास होना है, जो भवन बनना है, भव्य भवन बनना है, आदर्श बनना है आपका नारी ग्राम, जिसका नाम पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत वर्ष में होगा, उसकी तैयारियां पूरी तालियां बजा के अनुमोदन करते चले। आचार्य भगवान की कृपा यहां पर बरसात होगी निश्चित रूप से, इस भावना के साथ सबका कल्याण होगा। नारी गांव पर, छत्तीसगढ़ के इस गांव पर गुरुवर की कृपा हुई है तो निश्चित रूप से आपका पुण्य बहुत तेज है और पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारतवर्ष की समाज, अहिंसक समाज, जैन समाज आपके साथ खड़ी है, आपके इस पुनीत कार्य में खड़ी है। युवा साथी हमारे रायपुर के, अमित जी जैन छोटू भैया हमारे राजनांदगांव के हैं, सुजीत जी जैन रायपुर के हैं, विवेक जी जैन, विपुल जी जैन, अमित जी जैन, स्नेह जी जैन और विजय जी जैन, ये युवा टीम है जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आदरणीय विनोद बड़जात्या जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। उस युवा टीम के लिए जोरदार तालियां, हमेशा आपके साथ में सक्रिय सम्यक दर्शन हथकरघा के इस कार्यक्रम में पूरी टीम आपके साथ रहेगी। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे हमारा निवेदन है, आपके बैठने की व्यवस्था सामने रखी गई है, आप आए। आदरणीय सम्मान करते चले ब्रह्मचारी भैया, जिन्होंने अपना घर त्याग दिया किंतु नारी ग्राम के इस आदर्श काम के लिए आचार्य भगवान के आदेशानुसार यहां पर सब विराजमान हो रहे हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां। और आदरणीय ब्रह्मचारी भैया से मेरा निवेदन, सबके बैठने की व्यवस्था मंच के सामने रखी गई है और निश्चित निर्धारित स्थल पर कार्यक्रम का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा। मेरा पुनः निवेदन, जो पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है, जो कार से आ रहे हैं वे अपनी कारों को पार्किंग में निर्धारित स्थल पर रखें, क्योंकि जब भीड़ आएगी तो अव्यवस्था ना हो। हमारा काम है, हमारा कार्यक्रम है, उसको कैसे व्यवस्थित करना है यह हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, अनुशासन का पालन करें। आदरणीय सुनील भैया जी यहां पर, जिनके मार्गदर्शन में हमें उस भवन का शिलान्यास होगा और भव्य भवन बनेगा। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिर्फ जैनों के संत नहीं हैं, सिर्फ जैन समाज के संत नहीं हैं, वो तो जन जन के संत हैं और इसीलिए उनकी कृपा सब पर एक जैसी होती है। हम तो इंसान हैं, हम तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, किंतु आचार्य विद्यासागर महाराज की कृपा तो मूक पशुओं पे भी होती है, उनके करुणा के भाव होते हैं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कई गौशालाएं खुलाई और कई ऐसे कार्य किए, आज उन्होंने उपकार किया है नारी ग्राम पे। मैं आदरणीय ब्रह्मचारी सुनील भैया जी से सविनय निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथिगण यहां पर पधार रहे हैं, सब अपना स्थान ले रहे हैं और जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं आगे की कार्रवाई संचालित करने की कृपा करें। आदरणीय सुनील भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी, परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम में पूरे देश से बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं। ये धार्मिक मंच है और जो भी इस मंच पर आता है वो सब धार्मिक ही लोग होते हैं। यहाँ पर करुणा और दया की प्रतिमूर्ति आचार्य भगवान हम सबके बीच में नहीं है, किंतु परोक्ष में उनको प्रणाम करते हुए उनके आशीष से आज जो कार्य हम सबको सौंपा गया है, संकल्प पूर्वक उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आज इस कार्यक्रम के हमारे गौरव विनोद जी कोयले वाले
बिलासपुर से पधार चुके हैं, तालियों से उनका सम्मान करें, खड़े होते जाएं अपने स्थान पर आप लोग। दीमापुर से निर्मल जी झाजरी साहब हमारे बीच पधारे हैं, तालियां बजाएं उनके सम्मान में, वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही आशीष जैन आगरा, वो खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। इनके जितने गुणगान किए जाए उतने कम है। इन्होंने आज आचार्य भगवान के प्रति जो समर्पण दिखाया है और पूरे देश के अंदर जो हस्तशिल्प का कार्य प्रारंभ हुआ है वो हमारे आशीष भैया की देन है। खड़े हो जाएं फिर से एक बार, हो जाए ताली इनके सम्मान में हो जाएं। संतोष जी ठेकेदार एक ऐसा नाम है नागपुर का कि जब कभी आचार्य भगवान जहां विराजमान रहेंगे, जब कहीं कोई भी बड़ा आयोजन हो और संतोष जी का नाम यदि उस मंच पर ना बोले जाए मंच अधूरी मानी जाती है। ऐसे संतोष जी ठेकेदार खड़े हो जाए अपने स्थान पर, तालियों से आप उनकी भी अनुमोदना करें, उनका भी सम्मान करें। मिर्जापुर से एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है कि जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों के लिए हथकरघा जेलों के अंदर खोलने का आशीर्वाद आचार्य भगवान का मिला, तो कहाँ जाए, कहाँ से चालू करें, कहाँ से हम प्रारंभ करें, तो सबसे पहले ऐसा व्यक्तित्व मिर्जापुर के ऋषभ कुमार जी आगे आए और इन्होंने कहा सबसे पहले आचार्य भगवान उत्तर प्रदेश में चालू होगा तो मिर्जापुर में होगा, और मिर्जापुर में सबसे पहले हम लोगों ने जेल में चालू किया। ऋषभ जी उनका भी सम्मान हम करते हैं। गुरु कृपा परिवार आप लोग सब जानते हैं, उनके लिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र कुमार जी जिन्होंने अभी विगत एक साल के अंदर और प्रतिभा श्री चंद्रगिरी में एक भवन का निर्माण कर दिया, आचार्य भगवान के प्रति जिनका अनन्य समर्पण है उनका भी हम सम्मान करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व और हमारे बीच में है जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में बिताया और आज जब उम्र ढलने लगी तो जवानों की तरह खड़े होकर के हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर और आचार्य भगवान के नारे को सफल करने के लिए तत्पर हो गए, ऐसे आदरणीय कैलाशी वैद्य इंदौर से बधारे श्री निर्मल जी कासलीवाल, बजाय इनके सम्मान में जोरदार तालियां। इन लोगों ने भी आचार्य भगवान ने सारा कार्य सौंपा है कि भारत को भारत कहें, इंडिया ना बोले, हिंदी हमारी मातृभाषा है, सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग करें, और सारा कार्य सौंपा गया हमारे कैलाशी वैद्य और निर्मल जी कासलीवाल इंदौर वालों के लिए। साथ ही जिन्होंने पूरे देश के अंदर चलने वाली गौशालाओं का संचालन का भार अपने कंधे पर लिया, ऐसे प्रेमी जी हमारे बीच में पूरी टीम देवोदय वाली आगे आए, आगे आइए आप, आगे आ जाए देवोदय सेवा संघ की पूरी टीम हमारे बीच में, तालियां जरा अच्छे बजाओ उनके सम्मान में। सुरेंद्र जी मालथोन ये इधर इधर है, पूरी टीम हमारे बीच में है। इन सबको आचार्य जी की एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब हमने ये आचार्य भगवान के पावन चरणों में प्रार्थना रखी, आचार्य भगवान पंचमी का दिन है, 13 तारीख बहुत अच्छी है, उस शुभ मुहूर्त में क्यों ना हो कि हम नारी ग्राम में एक भवन का जिसमें एक नहीं दो नहीं चार नहीं हजार व्यक्ति एक साथ बैठ करके हथकरघा चलाएंगे, अहिंसा का उद्घोष करेंगे, ऐसे उस स्थान का शिलान्यास करें। तो आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, कुछ लोगों को तो नाम बोल करके कहा कि उनको बोल दो हमारा आशीर्वाद भी है और आदेश भी है, कभी बोलते नहीं आचार्य जी, लेकिन इस बार ना जाने कैसे मुख से निकल गया। संतोष जी ठेकेदार के लिए, निर्मल जी झांझरी के लिए, विनोद जी कोयले वालों के लिए, मिर्जापुर वालों के लिए, इधर आशीष जी को तो ये बोला उनको यही बुला लो आप तो पहले इंदौर और आपके साथ ही जाएंगे। ये हमारे बीच में सहपुरा से वहां के समाज के अध्यक्ष नरेंद्र जी साहब, बजा उनके सम्मान में तालियां। एक 10,000 स्क्वायर फुट का एक विशाल भवन है स्वयं वहां पर तैयार कर रहे हैं हथकरघा का कार्यक्रम, जहां पर 1,000 स्क्वायर फुट के उस हाल के अंदर, 10,000 स्क्वायर फुट के उस हाल के अंदर बैठकर के 300 लोग हथकरघा चलाएंगे और अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे। नरेंद्र जी साहब हमारे बीच में हैं, सहपुरा से बधारे, तालियों से हम उनका सम्मान करें। हमारे बीच में इंदौर से मनोज जी बाकलीवाल, सिंपल जी जैन, प्रणय जी सीए, जिन्होंने एक हथकरघे के ऊपर पुस्तक तैयार कर दी। आचार्य भगवान ने हथकरघा का उपदेश दिया और उन्होंने हथकरघा की एक पुस्तक तैयार कर दी, अभी पहुंचने वाले हमारे बीच में। ये सभी लोग महानुभाव बाहर से पधारे हैं, सबका हम स्वागत करते हैं और आचार्य भगवान का आशीर्वाद सबके लिए, आचार्य भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है। नमोस्तु, यही परोक्ष में कर ले सब लोग और आचार्य भगवान का आशीर्वाद वगैरह पाले। जब एक कार्यक्रम का करने का हम लोगों ने भावनाएं आचार्य भगवान के चरणों में रखी तो आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा करो जहां जहां जितने हथकरघा के सेंटर प्रारंभ है उनके जो मुखिया है उनको जरूर कान में बात डाल दो कि आपको भी वहां पर उपस्थित होना है। जो श्रमदान के नाम से ब्रांड चलता है
उसके हमारे मुखिया आज हमारे बीच में हैं, ब्रह्मचारी अमित भैया, ब्रह्मचारी सजल भैया, बजा उनके सम्मान में जोरदार तालियां।